अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद सुमैया सिद्दीकी। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं लस्सी। ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और रमज़ानों में और गर्मियों में लस्सी स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो यहाँ पर हमने दही ले लिया है, ये हमारा घर का जमा हुआ प्योर दही है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं मेरा दही कितना अच्छा जमा है, एकदम थिक, एकदम अच्छा दही जमा है। और यहाँ पर हमने ले लिया है, हमने शुगर ले ली थी, इसको पीस लिया है। और यहाँ पर हमने ले लिया है बर्फ़, और यहाँ 1 गिलास हमने दूध ले लिया है, ये 250 ml दूध होगा। और यहाँ हमने रूह अफ़ज़ा ले लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जो सारा दही है इसमें ऐड कर लेंगे, ये हमारा 500 ग्राम से ज़्यादा दही होगा। दही को हम जार में ऐड कर देंगे, आप देख सकते हैं हमारा दही कितना अच्छा जमा हुआ है। हम सारे दही को इसमें ऐड कर देंगे। दही को हमने जार में डाल लिया है। अब इसी के साथ साथ हम इसमें यहाँ पर 1 गिलास दूध डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून फुल भर कर शुगर ऐड कर देंगे। अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम इसमें रूह अफ़ज़ा 1 चम्मच फुल भर कर डाल देंगे, 1 टेबल स्पून। और इसमें हम कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल लेंगे। और इसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेंगे। हमने इसको अच्छे से पीस लिया है लस्सी को, अब हम इसको गिलास में डाल लेंगे। हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लस्सी बनकर तैयार है। हमने इसे हार्ड में, स्माइल शेप में, और एस हमने अपने नाम से सुमैया से इसको डेकोरेट कर लिया और भी डिज़ाइन से। तो अगर आपको मेरी लस्सी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।